2015 में स्टार्ट हुई एक ऐसी कंपनी जो यूज्ड कार मार्केट में राज करने वाली थी। क्या आपको पता है स्पिनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनी? आज स्पिनी महीने की 7000 से ज्यादा गाड़ियां सेल करती, लेकिन सवाल ये आ जाता है कि सेकेंड हैंड कार और भी तो कंपनियां सेल करती है, जैसे Cars24, OLX, कार वाले, कार देखो। स्पिनी ने ऐसा क्या कर दिखाया जो खुद सचिन तेंदुलकर इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए? इनके जो ऑफिस, आउटलेट, डीलरशिप या इनके वेबसाइट की बात की जाए तो काफी ज्यादा एडवांस एंड प्रोफेशनल डिजाइन की हुई है, जस्ट लाइक कोई 5-स्टार होटल हो। काफी फ्रेंडली ऑफिस इनकी है। तो दोस्तों, आज हम विजिट करने वाले हैं स्पिनी के हेडक्वार्टर में दिल्ली में, और यहाँ का आपको एक बढ़िया सा टूर देते हैं। चलिए, सो वेलकम गाइस, कैसे भाई, खूब आप अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं भाई स्पिनी के हेड क्वार्टर में, जहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि ये स्पिनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे हुई और इनकी कहाँ कहाँ, कौन सी स्टेट में कितनी सारी आउटलेट्स है, या फिर कह सकते हो कि कैसे इनकी काम करने के तरीके क्या है, वो सारी की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी हमें कहाँ पे, किस जगह पे, हमें फैजू भाई बताएंगे। फैजू भाई, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं राजू? हम भी बहुत बढ़िया है। तो हमारे फैजू भाई बहुत ही प्रिय हैं, डियर हैं। तो आज इनके साथ हम पूरी स्पिनी की टूर करेंगे, पूरी ऑफिस से लेकर ये सारी चीज़ें। अब पूरे मुझे पता नहीं मैं कहाँ तक कर पाऊँगा, बट एज पॉसिबल, इतनी बड़ी कंपनी है भाई और इतनी बड़ी बिल्डिंग भी है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे मेरे को थोड़ी सी कम पता है, जितने हो पाए कोशिश करेंगे, कवर करेंगे, कोशिश कर दिया सब कुछ आपको दिखाने के लिए। दिखाते हैं भाई, तो चलिए सबसे पहले आप क्या बताएंगे थोड़ा बहुत? जैसे आपको पता होंगे, इसमें जो है पी यूज कार सेल करते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में हमारे पास हमारे चैनल पार्टनर हैं, उनके थ्रू हम कार सेल करते हैं। तो चलिए अभी अंदर जाके बात करेंगे। चलिए फिर अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको जितना हो सके। सो कहाँ से चले? इधर गेट भी भाई इतनी सारी है कि पता नहीं चलता। इधर से भी है। हमने अभी उस साइड से आया था, अभी इधर से जा रहे हैं। सो गाइज, अभी फैजू भाई अभी आ चुके हैं हम एकदम रिसेप्शन। ये जो एक बार दिखा दीजिए पीछे, ये गेट है इनकी, और यहाँ से, क्योंकि हमने बताया ना कि बहुत सारे इनके गेट्स है इधर उधर से, तो हमने एक चूज़ किया जहाँ पे हमें ये सब देखने को मिले, तो ये मुझे अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा, देखो यहाँ पे कैसे गाड़ियाँ की यहाँ पे मेला लगी हुई है, और इन्होंने एक थीम बना रखा है सिटी है गुड़गांव की। ये पूरी सिटी है क्या? हाँ, गुड़गांव सिटी है भाई। तो एक बार देख लो यहाँ पे भी पूरी इनकी, वाह। तो ये अच्छा लगा, फिर यहाँ पे ये माहौल एक अलग माहौल है, यहाँ पर फोटो भी ले सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी ले सकते जो कि हम अभी लेंगे थोड़ी देर बाद। क्यों, अब आगे चले क्या और कुछ दिखाते हैं? तो ये हमारी जो एंट्रेंस पॉइंट है वो हम आपको दिखा दिए कि यहाँ पे स्पिनी की एंट्रेंस पॉइंट है, और चलते हैं ऊपर। अब हमें आपको एक रिसेप्शन तो दिखाया, अब दूसरे दिखाते हैं यहाँ पे एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे ये भी एक रिसेप्शन है छोटा सा, आप एक बार दिखा दो। बाकी इधर चलते हैं अंदर, एक आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। हाँ, नहीं ये फेस लॉक है। फेस लॉक है, अच्छा। ये देखिए, आपका भी है क्या? ये देखिए खुल गया, ये देखो भाई जबरदस्त है। तो ये भी देख सकते हैं, ये देखिए गैलरी, मतलब अब तो एक से एक चीज दिखाएंगे। ये देखिए फेस में, बताइए जरा क्या है ये? हमारे कार गैलरी है, इसमें आप देख सकते हैं हर डिजाइन की कार है इसमें। क्या बात है भाई, ये सब भी अब क्या मतलब, इसमें सिग्नेचर स्पोर्ट्स कार सब कुछ है ना? हाँ, सब कुछ है इसमें, और इसमें सिग्नेचर किया है। अच्छा अच्छा, इसमें साइन किया हुआ है क्या? हाँ, ये क्या मिल भी सकता है? नहीं नहीं, ये मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और ये देखो भाई HQ, यहाँ पे देखो जा रही है भाई, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी कि हाँ हेडक्वार्टर वेलकम्स यू। तो यहाँ पे देख लो भाई, ये इतनी सारी गाड़ी है, लेकिन स्पोर्ट्स कार तो आप लोग देते नहीं हो या सेल नहीं करते? नहीं, सेल नहीं करते स्पोर्ट्स कार अभी। चलो भाई, तो ये सबसे पहले देखो, दो साइड है यहाँ पे, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ठीक है, और इस साइड में। तो हम अभी किधर जाएं, इधर से स्टार्ट करें या इधर से शुरू करते हैं भाई? और सो ये हमारे जो है, ये कौन सी एरिया? हाँ, ये भी रिसेप्शन कह सकते हैं, छोटे से बैठने के लिए एक जगह है। और इस साइड में देख लो भाई, यहाँ पे काम चलती है। ये कौन सी जगह, कौन से डिपार्टमेंट है बेसिकली? ये हमारे ऑक्शन डिपार्टमेंट। ये कौन सी है आप? ये ऑक्शन डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये ऑक्शन की मतलब जो होती है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं? हाँ, रिपोर्ट बनाते हैं यहीं से। हाँ, आपको जो आपकी कैम है पर्टिकुलर, वही आपको कॉल करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बैठ के देखो ये सब काम होती है। कैम बोलेगा मतलब कि जो डीलर्स है ना बहुत सारे, तो स्पिनी क्या है ना कि प्री ओन कार तो सेल करती है और उसके साथ साथ डीलर्स को भी प्रोवाइड करती है गाड़ी, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन होती है। ऑप्शन के बाद जो
डीलर्स को देते हैं, फिर डीलर्स आपके पास जो गाड़ी देते हैं वो सारी चीज़ की प्रोसेस भी होती है। हाँ, यहाँ पर ही होती है। और प्लस इनकी जो ब्रांड प्री ऑन सेल होती है वो तो होती है ऑनलाइन। हाँ, जो होती है। हाँ, तो ये सारी जो है अब देखो इतनी सारी भाई देखो बहुत लाइन से देखो भाई वाइड सब देख रहे हैं भाई कि क्या हो रहा है ये वाली चीज़। हाँ, तो यहाँ पे हर लैंग्वेज के लोग बैठे हैं, मतलब हर स्टेट के ना। हाँ हाँ, हर स्टेट के लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पर तमिल, कन्नड़, बेंगलोर सब यहाँ पर है, सब है। इधर दिल्ली टीम बैठते हैं, उधर कोलकाता टीम। अच्छा, तो इस साइड में देख लीजिए भाई, यहाँ पे दिल्ली टीम हो गई, कलकत्ता में कहीं पे बैंगलोर हो गई। हाँ, तो भाई ऐसे ऐसे क्या है ना। हाँ, मतलब आप सपोज ना कोई गाड़ियाँ इंक्वायरी करते हो तो आपको जो कॉल आते हैं ना यहीं से आते हैं। आप चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे बिहार में पटना रहते हो या फिर चेन्नई रहते हो, बैंगलोर रहते हो, तो आपको लगता हुआ कि भाई ये लोग तो लोकल हमारे वहीं से कर रहे हैं, बट कॉल आपकी यहीं से जाती है, क्योंकि आपके जो स्टेट के लोग यहीं पे हैं, जो सारे डिपार्टमेंट के लोग यहीं पर यहाँ पे हैं। हाँ, जो ऑप्शन भी है तो ये सारी चीज़ तो इतनी बड़ी है भाई, कहाँ चले अब, इधर चले गए अब, ऊपर ही चलते हैं, 9 फ्लोर पे ऊपर भी चलते, इधर से घूमते हुए चलते हैं। आप कुछ ये बता पाएंगे क्या कब से ये चल रही है काम? तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोगों के पास ये असाइनमेंट, ये क्या है? ये सर्टिफिकेट है, इन्होंने अच्छे काम किए थे, अच्छे काम किए थे भाई, मास्ट परफॉर्मेंस है। ये आपने क्या काम किया था? स्टार ऑफ द परफॉर्मेंस। ये देखो भाई सर्टिफिकेट को मिला इनको। वाह, इतने सारे हैं क्या? अरे बाप रे, पूरे कंपनी से आप ही लग रहा है इतने लोगों में आप टॉप में हो। वैसे मतलब इनके पीछे भी देखो बहुत सारे अवार्ड, यहाँ पे अचीवमेंट अवार्ड मिली है, तो काफ़ी भाई सही है एकदम। मतलब हाँ, जो काम यहाँ पे होती है ना प्रॉपर, जो काम करके आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ऐसे घर जैसा आपको फील। बिल्कुल घर जैसा फील आएगी भाई। हाँ, और जाने इधर से चलना है ना। हाँ भाई देखो, और ये सब क्या है? कैबिन है हमारे, जो आपसे ऊपर बॉस है उनके लिए। नहीं, सबके लिए लीगल लिखवा। हाँ, ये सारे कैबिन है हमारे, जब मीटिंग होते कैबिन में करते। इसमें का मानना ये, सबको हर जैसे एक जैसे देखते हैं, हर एम्प्लॉय को जो हमारे बॉस है साथ में बैठते हैं। अच्छा, क्या बात है भाई। तो ये देखो हर चीज़, मतलब फाइनेंशियल लीगल। हाँ, ये फाइनेंस टीम है, वो लीगल टीम। हाँ, है। तो भाई जो सारी जो है ना एक ही छत के नीचे हर कुछ है आपका। हाँ, अब चलते हैं, एक और है ना आपका। हाँ, एक और फ्लोर में चलते हैं। ठीक, मैंने कहा ना पूरा फ्लोर ही इनका है, बट अपने थोड़ी लिमिटेड करेंगे क्योंकि थोड़ी कम। अच्छा, वो साइड में भी दिखाएंगे, कैफेटेरिया। कैफेटेरिया आ जाइए, चलिए आइए एक बार दिखाते हैं। और इधर भी आप बताओ सर। इधर जो ऑक्शन का जो रिपोर्ट चेक करते हैं ना। हाँ, हम जो मिसमैच होते हैं तो ये देखिए, यहाँ ऑक्शन की जो रिपोर्ट आईएम रेस होती है यहाँ। आईएम रेस होती है। अभी आ गए भाई, एक छोटा सा एरिया हो गया। हाँ, ये कैफे एरिया, यहाँ पे भी हर फ्लोर के लिए अलग। बहुत सही भाई, इतनी बड़ी, और बाहर भी जा सकते हैं। बाहर भी जा सकते हैं भाई, एक बार आइए, जगह आपको अच्छा लगेंगे देखने में। छोटा सा बेलगन व्यू है, इधर से पूरा गुड़गांव दिखते हैं। अब इधर से गुड़गांव दिखेगा भाई पूरा। आइए जरा, वाह, इसका व्यू आप शाम के टाइम में आपको अच्छा लगेगा। शाम के टाइम ही अच्छा लगेगा, अभी तो धूप है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से भाई पूरे जो व्यू है ना वो एंजॉय आप कर सकते हो। सेम ऊपर भी सेम है ना? हाँ, सेम है, ऊपर ऊपर में भी सेम है भाई, यहाँ पे आप देख लो। बहुत सही, तो चलते हैं फिर। हाँ, ऊपर देखते हैं, नेक्स्ट फ्लोर पर। नेक्स्ट फ्लोर। सो गाइस, अभी आ चुके हम एक और फ्लोर है इनका, और हमारे साथ है आरती मैडम। फैजू जी थोड़ा सा उनकी मीटिंग आ गई तो इसलिए वो हमारे पीछे कहीं चले गए काम में। तो हमारे साथ आरती मैडम है जो हमें और भी टूर कराएंगे। ये कौन सी फ्लोर मैडम है? ये 9th फ्लोर है। 9th फ्लोर है जी। ये 9th फ्लोर में है। हमने अभी आपको शायद 8 या 7 फ्लोर हम दिखाए थे, अभी हम 9th फ्लोर में आ गए। बिल्कुल, तो ये सेम मैजे यहाँ पे हमारे रिसेप्शन एरिया है 9th फ्लोर का। 9th फ्लोर का अब एंटर होते हैं, इसमें भी कैमरे से करेंगे क्या? जी, हम हमारे यहाँ पे फेस आईडी से खोलना पड़ता है दरवाजे। ये देखिए, हर एम्प्लॉय का अपना फेस आईडी लगता है तब खुलता है दरवाजा। मेरे को तो लगा ही नहीं, कोई भी अननोन पर्सन नहीं आ सकता है, इस वजह से सिक्योरिटी डाला गया है। जी, फिर आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग रहता है ऑफिस के टाइम में, अगर किसी को पर्सनल है तो आकर यहाँ पे अपना और लाइक यूज कर सकते हैं फोन। जी, और सेम जैसे हमने अभी आपको नीचे दिखाया ना, उस साइड 9th फ्लोर का ये रिसेप्शन एरिया। ये रिसेप्शन एरिया जी, नीचे थोड़ी सी भाई वीक थी, यहाँ स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, अच्छी लग रही है। यहाँ पे हमारे जितने हैं इवन सीईओ से लेके हर कोई वीपी जितने भी है बैठते हैं ना, बैठते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कंपेयर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बेटर है 8th फ्लोर से। जी बिल्कुल,
तो ये तो बहुत सही है। तो अब चलते हैं इधर एरिया वाली देख लेते हैं, यहाँ भी क्या सेम है क्या जो नीचे हमने बात करी? ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ी सी हमारे अगर सामने जैसे जाएंगे तो थोड़ी सी केबिन वगैरह चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हाँ नॉर्मली जितने भी है हमारे मीटिंग्स एंड ऑल जितने भी यहाँ पे मेल ये केबिन है, जैसे हमारे नीचे मीटिंग्स के लिए कैंप के साथ हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड हर टीम के साथ यहाँ पे हमारे केबिन रखे हुए हैं पर्टिकुलर यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे गेमिंग जोन भी रखा गया हुआ है हमारे पास, एक बार जा सकते हैं क्या अंदर? हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं, जाएंगे कहाँ से, और इस साइड में भी देख लो। और यहाँ पे तो काफी भाई ये सारी केबिन्स, यहाँ पे केबिन्स ज्यादा दिख रही है मेरे। हाँ केबिन्स क्योंकि पर्टिकुलर हाँ यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सीनियर्स जितने भी है हमारे मतलब जितने इवन नियर सर भी यहीं पे आगे भी देखो भाई केबिन्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं आप देख सकते हो। जैसे एज कम्पेयर टू 8 फ्लोर जो है या 9 फ्लोर को ज्यादा स्ट्रक्चर रखा गया है, जिसे मतलब अट्रैक्टिव किया गया मोर ज्यादा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ भी, और यहाँ पे तो भाई बहुत ज्यादा छोटी हमने दिखाया ना चाइमेंट, हाँ यहाँ पे बड़ी वाली काफी बड़ी है भाई ट्रॉफी है। ये कौन सी है? नॉर्मली ये द गेम चैलेंज कोई भी होगा जहाँ पे उन्होंने विन किया है डिफरेंट साइनेस के साथ, जिसने जो ज्यादा सेल किया होगा गाड़ी उसके लिए ये उन्होंने साइन किया अपना। बिल्कुल बहुत सही। अब चलते हैं इधर देख लेते हैं, इधर भी क्या सेम वही चीज होती है ऑलमोस्ट? हाँ यहाँ पे भी जो नॉर्मल है डिफरेंट, हाँ नहीं ये यहाँ पे कॉलिंग नहीं है, यहाँ पे जैसे फाइनेंस टीम बैठती है, जो अपर लेवल मार्केटिंग टीम्स जो है जो भी आप, ये हमारे 9th फ्लोर की गेमिंग जोन है जहाँ पे लोग रिलैक्स करके अगर इन द मीड ऑफ कर सकते हैं अपना। तो ये भाई ये गेमिंग रूम है आपके? या यहाँ पे गेम या, है बहुत सही, वहाँ भी दिखा दो भाई चल रही है गेम। तो काफ़ी ये भी भाई देख लो कि कैसा यहाँ पे जो कॉर्पोरेट होती है बड़ी बड़ी लेवल वाली कंपनियाँ कैसी लगती है अंदर से, आपने देखा नहीं होगा, आप देखो मजा आएगा आपको। जी ये सारी खेली कैसे जाती है? ये नॉर्मली रहता है जो बॉल को हीट करना पड़ता है, बॉल देना पड़ता है वो इस तरह से जो है मीड ऑफ वर्क हम आकर यहाँ पे खेल सकते हैं, जिससे हमारा रिफ्रेशमेंट हो सके और जिससे हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम जैसे क्या होता है, काफी ज्यादा टेंशन भी तो आती होगी काम सेल से, क्या ऐसे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है आप लोगों की, मतलब जैसे आप किसी क्लाइंट हो गया इससे बात करो कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे चैलेंज करते हो? सर देखो नॉर्मली हर एक फील्ड में कहीं पे भी जाओ सेल्स हो या कोई भी डिपार्टमेंट में चैलेंज तो रहती है ना, तो प्रॉपरली हम उसे हैंडल करते हैं नॉर्मली जो भी चैलेंजेस है, कस्टमर से प्रॉपर हमारी कम्युनिकेशन रखनी पड़ती है, किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, है ना, अगर हमसे हैंडल नहीं हो रहा तो हम अपने सीनियर लेवल तक भी दे रहे हैं वो भी हमारे भी, हाँ तो वो भी देखते हैं पर्टिकुलर हम लाइक हमारे डीलर्स जो होते हैं उनको पर्टिकुलर हम जाते हैं उनके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पर्टिकुलर उनको सोल्यूशन दिया जाता है, हो सकता है टाइम भी थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा ले लेते हैं बट अल्टीमेट उनको सोल्यूशन दिया जाता है टेंशन के बाद आपने यहाँ आके बिल्कुल रिलीफ लेते हैं। ये गेमिंग रूम है इनकी बहुत सही, यहाँ पे भी और बहुत सारे रूम है आप देख सकते हो, इसमें भी है क्या? नहीं यहाँ पे जो है स्नूज रूम, अगर हम टायर्ड हो रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं, अगर इलनेस लग रहा है तो यहाँ बॉयज आकर अपना रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ रेस्ट कर रहे हैं आप देख सकते हो। तो मतलब देख रहे हो भाई कि कैसे काम चलती है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जॉब छोड़ने का तो मन भी नहीं करता। बिल्कुल नहीं, मैंने इतनी सारी लाइक सेक्टर में काम किया ऑफर किया है बट यहाँ का जो कल्चर है ना इतना रीच है ना लाइक मैनेजमेंट इतना है, मतलब हर चीज़ में रिलैक्सेशन होती है तो लगता है कि नहीं कहीं नहीं जाना, जो भी बेटर है बहुत कॉर्पोरेट में तो बहुत बेस्ट लगा मुझे यहाँ पे जॉब करके, और भाई अभी तक मेरे को भी अच्छा लग रहा है। आपने भी देखा होगा जब से आए वो चीज़ें जिस तरह से स्ट्रक्चर है ना, तो नॉर्मली एज कम्पेयर टू अदर, इसके लिए हमारा ट्रेडमिल भी रखा गया है यहाँ पे, हर फ्लोर पे ये रखा गया है जिससे एक्सरसाइज भी हम करते रहे, बिल्कुल रन करते रहे, कैलोरी बर्न करते रहे। और ये देखिए यहाँ से व्यू भी आपको देखने को मिल रही है जबरदस्त, ये क्या पूरी गुड़गांव यहाँ से दिखता ही है ना ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू जो है, क्या बात है भाई बहुत सही, जो हमने आपको नीचे से दिखाया था वो अभी ऊपर में हम लोग आ चुके हैं, 8th फ्लोर से भी 9th फ्लोर से भी हमारा, हाँ ये 9th फ्लोर से हमारा व्यू है, बहुत सही भाई। और ये नॉर्मली जो हाँ बैठ कर बातें कर लो कलीग से या जो भी सीनियर से, नॉर्मल मीटिंग जैसे चल रही है, बिल्कुल दिखाई जरा सीरियस मीटिंग चल रही है, हाँ एग्जैक्टली, मतलब भाई हम लोग वीडियो कर रहे हैं बट फोकस अपने काम पे है उन लोगों का, उन्हें कोई नहीं पड़ रहा है, इतनी बड़ी है ना भाई, इतनी बड़ी मतलब
कहाँ से कहाँ जा रहे? ये इसका है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों का है, पूरा अच्छे से फुल फ्रीडम, हर एक चीज़ का रखा गया है ध्यान। अच्छा, ये भी इंस्पेक्शन टीम है क्या? हाँ, ये इंस्पेक्शन टीम है, नॉर्मली लॉजिस्टिक टीम है, सब कुछ है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे मतलब डाला गया है, कुछ मार्केटिंग टीम्स भी है, सिंगल्स भी, तो यहाँ से भी ऑपरेट होता है सारी कुछ यहीं पे। हाँ, सब बिल्कुल, मतलब एकदम। फिर हम लोग वहीं आगे देख लो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया बिल्कुल। इसका भी कैफेटेरिया देख लो। हाँ, कैफेटेरिया है और इसके बाहर भी है ना, सेम नीचे जैसे हमने दिखाया। हाँ, exactly, सेम व्यू, 9th फ्लोर से भी हम देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये देखते हैं आगे आगे आप, और भाई ये भी मीटिंग रूम है। हाँ जी, ये सब मीटिंग रूम है। ये देख लीजिए, छोटा सा, अभी थोड़ी देर पहले आप बड़ी थी। हाँ, थोड़ा कंपेयर में, हाँ, क्योंकि ये सेक्शन पूरा अलग कर दिया गया है ना, तो इस कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन दस अभी आप लोगों का लंच यहीं पे था, अभी वहीं यहीं पे हुआ जी। अब इधर आते हैं, अब इस साइड में देखो भाई, सेम जो नीचे हमने दिखाया था, पूरी व्यू जो है काफी सुंदर व्यू है यहाँ की। तो हमने तो नीचे गए थे अभी उस साइड में, तो इधर ही चलते हैं भाई। हाँ, इधर चलते हैं, हमने तो अभी आपको दिखाई दिया वहाँ, और ये भी एक एरिया है ना। हाँ, ये कैफेटेरिया ही है नॉर्मली, यहाँ पे भी लोग स्नैक्स, टी, कॉफी जो भी है बहुत सही ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको जो है ना यहाँ के टूर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी, और हमें बहुत बहुत मतलब फैजू भाई और आरती मैडम जो है ना, पूरे अच्छे से टूर को दिया, और भी है भाई, और भी इतनी बहुत कुछ है देखने को। हाँ, और आपको समझाने को, बट उतने टाइम नहीं है, और आपके पास भी टाइम नहीं है जो आप इतने सारे देखोगे लंबी वीडियो। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, आशा है कि आपको पसंद आएगी वीडियो, और कॉरपोरेट लाइफ कैसी होती है, मतलब कंपनियाँ कैसी होती है, कैसे हैंडल करती है चीज़ों को, वो आपने देखा।